ईश्वर मुंडा जी, आपको ओडिशा टुडे 24x7 को स्वागतम। आप इतना आगे तक चले गए लॉकडाउन शटडाउन के पीरियड में, अभी भी ओडिशा में शटडाउन चल ही रहा है। ये भले ये जिला में शटडाउन नहीं है, शनिवार एतवार शटडाउन अभी चल रहा है। अभी कल का न्यूज के हिसाब से भी शटडाउन आगे दिया गया है। भुवनेश्वर कटक पुरी के लिए शटडाउन सैटरडे संडे रहेगा ही, तो उसी में आप कैसे काम करके पिछले साल से कैसे आप यूट्यूबर बने और कैसे आगे बढ़े, थोड़ा आपके बारे में बताइए। जैसे कि लॉकडाउन हो गया, पिछले साल लॉकडाउन हो गया तो घर से कोई नहीं निकला, निकलने के लिए मना हो गया। तो पिछले साल पहला लॉकडाउन हुआ तो उसी टाइम हमारा भी काम धंधा सब बंद हो गया, जो कि हम काम करते थे, मजदूर का काम, कूली काम करते थे, तो वो तो हो नहीं पाया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे लोगों घर में जियो का फोन में वीडियो देख रहे थे और हम बाहर लकड़ी को फोड़ रहे थे, वो जो चूल्ही जलाने के लिए जो चावल बना पकाते हैं, वो सूखी लकड़ी को हम काट रहे थे और अंदर बच्चे लोगों वीडियो में एक कार्टून का वीडियो ख़त्म किए देख के, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आया यूट्यूब में, जो कि उसमें टेक्निकल वाला चैनल था, उसमें बोल रहा था कि यूट्यूब पे भी हम कुछ वीडियो डाल के हम कमाई कर सकते हैं। तो उसको उस वीडियो को हम तुरंत ही हम बाहर से घर के अंदर आए और बच्चों लोगों से वो मोबाइल को छीन के हम उस वीडियो को पूरा अच्छे से देखे, क्योंकि हमको भी वो थोड़ा करने के लिए अच्छा लगा, जो कि लोग आगे तो काम सब बंद है, तो इसमें जितना भी कमाई होगा 10-20 रुपया उससे हम हमारा गुजारा होगा, ऐसा सोच के हम भी चलो यही तो एक रास्ता है। अभी तो हमारा तो यहाँ पे जंगल में है, कहीं पे भी काम नहीं मिलेगा हमको, तो हमारे 4 बच्चे हैं, कैसे उनको उनका ख्याल कैसे रखेंगे, तो वो चिंता आया और चलो हम यूट्यूब चैनल खोलेंगे, ऐसा दिमाग में आया हमारे दोनों का। तो जियो का फ़ोन था और उतना पैसा भी नहीं था हमारे पास कि हम एक तो स्मार्टफोन लिए बड़ा वाला, और लेकिन 3000 रुपया हमारा जो बैंक में जमा हुआ था हम रखे थे कमाई करके, तो उस 3000 रुपया को लेकर के एक बड़ा वाला मोबाइल किस्ती में लाए, वो भी खरीद के नहीं किस्ती में लाए। फिर उस मोबाइल का किस्ती को हमें फिर देना होता था हफ्ते में एक बार, और बच्चे लोगों को उनका खाना पीना हमारा, तो उसी टाइम पे एक महीना तक हम बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा हुआ। एक हफ्ता में सच में एक दो दिन ऐसे हम उपवास में रहते थे, पूरा उपवास में कुछ नहीं खाते थे हम दोनों, लेकिन बच्चे लोगों को इधर से उधर से हम उधार ला करके बच्चे लोगों को खिलाते थे। जब से हमारा एक वीडियो वायरल हो गया बासी पकड़ का, उसी टाइम से पूरा हठात से पूरा एक रात में 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए और बहुत पसंद आया, और अमेरिका, ब्राज़ील और वो स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका और मंगोलिया और साउथ कोरिया, ऐसे अलग अलग देश से भी हमको कमेंट करने लगे, और आपका परिवार का कंडीशन देख के हमको बहुत दया आ रहा है और हम आपको पूरा हम कुछ दे देना चाहते हैं, ऐसा बहुत कमेंट आया, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए और हम आपके लिए कुछ देंगे, ऐसा बहुत ऐसे 100 से ऊपर ऐसा कमेंट आया। तो मजबूरन हमको, चलो हम तो किसी को नहीं मांग रहे हैं लेकिन वो देना चाहते हैं, तो हम नंबर दे ही देते हैं, ऐसा बोल के हमारा मोबाइल नंबर दिए। तो उसी टाइम पे बहुत सारा मदद आया, जैसे कि ये दो बोखरा है, ये जो दो रूम है छत का घर, ये पंकज मकवान जो भुवनेश्वर में उनका NGO काम करते हैं वो दिए, और उसके बाद हमारा चैनल मोनोटाइज हुआ, मोनोटाइज हो के जो यूट्यूब से चले जाएगा उससे हम ये घर बना लिए। तो कहीं नहीं गए हम, यही घर से ही हम खाली वीडियो बना करके छोड़े और